बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि जस्टिस फैसल कमाल आलम ने मेरा सूट 13/26/2012 जो है, जो मेरे इस घर पे लगा हुआ है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें माफिया दीवारें तोड़ के अंदर घुसी, पहले भी दीवारें तोड़ के अंदर घुसी थी और ओपन कंपाउंड पर बिल्डिंग बनाई थी शफी सिद्दीकी के ऑर्डर पर, 17/12/2013 के ऑर्डर पर, के कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और इंटीरियर मॉडल भी कंटिन्यू कर रहा था शफी सिद्दीकी, उसमें दोनों ज बातें लिख रहा था। और ये उस दिन उसने ऑर्डर करा, कंस्ट्रक्शन का, जिस दिन पूरा बोर्ड सस्पेंड था 23/15/2015 जस्टिस भगवान दास की डेथ पर। 56 नंबर पे मेरा केस लगा हुआ और उसने सुबह 9:45 उठा लिया, सिर्फ मेरा ही केस उठाया क्योंकि उसको मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है शफी सिद्दीकी को, और उसने कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी मेरे घर पर और उसको पोर्शंस में बांट दिया घर को, जिसका कोई सबूत ही नहीं आज तक, ना दूसरी पार्टी ने जवाब दाखिल किया था उस पर। ये लोग दीवारें तोड़ के अंदर घुसे और उन्हें एक जगह बिल्डिंग बना ली। ये जस्टिस शफी सिद्दीकी ने, जो सिंध हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने करवाया, वो बिल्डिंग तैयार हो गई। बाकी मेरा घर डिमोलिश हो रहा था, जो शुएब अहमद सिद्दीकी कमिश्नर कराची थे, उन्होंने रुकवाया था और पुलिस वालों की मदद से वो बिल्डिंग तैयार हुई है। इसके बाद बाकी घर पूरा हमारे पास था, 1000 गज, ये 1400 स्क्वायर यार्ड पे मेरा घर, जो इस्लामिया कॉलेज फॉर बॉयज़ के आगे वाली गली में है, शिवा मंदिर इस्लामिया कॉलेज के बीच वाली गली में। अब फिर उन्हें 14 अक्टूबर 2000, ये इसमें क्या है कि इसमें जमाली इन्वॉल्व है। जमाली कौन है? एडवोकेट्स हैं, उनकी शेयरिंग है लड़कियों में भी और प्रॉपर्टी में भी, और बाकी भी हमारी प्रॉपर्टीज में भी उन्हें शेयरिंग बांटी है। जमाली कौन है? एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली का बेटा हसीब जमाली, और एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली का भतीजा नुमान जमाली, ये दो हैं। इन्होंने क्या करा, ये बिल्डिंग तो बन गई, हमारे साथ मारे पिटवाई, हमें सब कुछ करवाया, हमारे साथ हमें सरियों तक से मारे पिटवाई हैं इन लोगों ने। जिन बंदों को यहाँ इस बिल्डिंग में ला के बिठाया, वो ले आ रही है खारा दर से ला के बिठाया, वो मैकेनिक का काम करते हैं, वो स्टेट एजेंसी वाले हैं, और ज़ुबैर जिसको आगे करके करवाया ये सब, वो एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, सस्पेंडेड पुलिस वाला है, पहले जमशेद थाने में होता था, फिर खारा दर में चला गया था, वहाँ से सस्पेंड हो गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने हम पे झूठी FIR कटवा के हमें जेल तक भिजाया, मुझे और मेरी बहन को। इसके बाद इन्होंने हमें हर तरीके से मारे पिटवाई, शोरूम वालों से भी मारे पिटवाई, वो शोरूम वाले भी इन्हीं के हैं, इन्होंने बिल्डिंगें बना के नीचे शॉप्स खोली और कार कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट पे वो गाड़ियाँ रख लीं और अपने बंदे हायर कर लिए जो सैलरी के बेस पे। मेरी गली के कोने पे ही वो शोरूम्स बने हुए हैं, वो भी इलीगल हैं, वो भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी क्या है। 14 अक्टूबर 2021 को जो ये दीवारें तोड़ के अंदर घुसे थे, हाईकोर्ट ने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी उसी 17/12/2013 वाले ऑर्डर पे, तो डिमांड लोगों को, ये डिमांड हो चुके थे जब तक 9 साल बाद, क्योंकि इन्होंने जवाब दाखिल नहीं करा 9 साल के अंदर अंदर, इसलिए इनको डिबार्ट कर दें। डिबार्ट मतलब केस से बाहर निकाल देना, कि अब ये जवाब दाखिल नहीं कर सकते। उन डिमांड लोगों को जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी अर्जेंसी वाले दिन, और ये केस 5-6 साल 10 महीने बाद लगा था, और वो ऑर्डर था 7 साल 10 महीने पुराना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी अर्जेंसी वाले दिन। हालांकि अर्जेंसी वाले दिन सिर्फ डेट मिलती है, कुछ भी नहीं होता है, पर उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, और हमें कहा हुंडा माफिया है, पुलिस वालों से हमारे नाजायज ताल्लुकात हैं और हम इन बेचारों को काम नहीं करने दे रहे, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन नहीं करने दे। ये लोग उसी दिन, इसके बाद ये 18 अक्टूबर को, और हमें नोटिसेस करने को बोला उन्होंने मेन केस के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, वो भी जनवरी का, डेट नहीं ली, जनवरी का अकॉर्डिंग टू द रोस्टर डेट। ये 18 अक्टूबर को घर में घुस गए दीवारें तोड़कर, 18 अक्टूबर 2021 इन्होंने कह रखा। इसी बात पे मैंने एप्लीकेशन लगाई थी अपने सूट 13/26/2012 में कि ये मेरे घर से चीज़ें उठा के लेके गए, उन्होंने कैद रखा, उसकी FIR आज तक लॉन्च नहीं हुई, और उन्होंने मेरे उसी
और बिल्डिंग भी बनाई है मेरे घर पे, और उसको 587/1 का नंबर दिया है। ये 587 वो है जो मॉर्गेज है 1975 से, और किसी बहुद्दीन खट्टक के नाम पे, तो जुबैर के नाम पे कैसे आ सकता है, किसी नकी नवाब के नाम पे कैसे आ सकता है। ओल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर में तो बहाउद्दीन खट्टक का नाम है और मॉर्गेज है वो प्रॉपर्टी। इन्होंने 587/1 का नंबर दे दिया उसको, और जजेस देखना नहीं चाहते। इसमें ऑर्डर हुआ था मेरे सूट में 13/12/2021 को कि रिकॉर्ड रजिस्टर मुख्तियारकार लेके आएगा, तीनों रिकॉर्ड रजिस्टर, पर मुख्तियारकार वो लाया नहीं। जब मैं मुख्तियारकार के पास गई, अहमद के पास, कि वो रिकॉर्ड रजिस्टर लेके आना है, तो मैं हेयरिंग है, तो उसी दिन हेयरिंग पे जस्टिस फैसल कमाल आलम से 15/2/2023 को वो डिसमिस करवा दी गई एप्लीकेशंस, बिल्डिंग वाली भी जो बिल्डिंग डिमोलिशन की मैंने लगाई थी, और ये वाली भी जो इस पर हमें कैद किया था हमारे घर से चीज़ें उठा के, उस पर मैंने हाईकोर्ट अपील लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो प्रेजेंट भी हो गई है, और उसकी डेट भी होने वाली है जल्द से जल्द। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट डेट कब है। तो गाइस मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा, मेरी कंटिन्यूशन में रहिएगा, और लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि क्या क्या और मुझे करना चाहिए, क्या कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, पर प्लीज़ सिंसियर लोग, आलतू फालतू नहीं, आलतू फालतू आके बहुत गलत सलत कमेंट करते हैं। और मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस आगे से आगे तक पहुँचाएँ, ताकि सारे जजेस तक पहुँचे, जजेस ऑफ पाकिस्तान तक, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन तक भी, ताकि हमें हमारा हक मिल सके। अब मुझे धमकियां मिल रही हैं, दस जब मेरे साथ इस तरह करवा के हमें धमकियां दे रही हैं कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने 17 दिन में नहीं करा वो, तो आप अब हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि इस तरह हम डर के चले जाएँगे। वो बंदे धमकियाँ दे रहे हैं जो मेरे घर के अंदर बैठे हैं, क्योंकि हर तरफ से उतरने का रास्ता है जिस हिस्से में हम हैं, पूरा घर उनके कब्जे में, बाहर चौकीदार धमकियाँ देते हमें, तो ये खैर नहीं, अब तुझे बताएंगे हम। वाह वाह जजेस साहिबान वाह, आप लोग क्या करवा रहे हैं हमारे साथ, हम डर के चले जाएंगे। हमने 17 दिन में वो भुगता है जो आप सोच भी नहीं सकते, या आपने करवाया होगा, आप लोग को पता होगा, जब भी आप लोग अब हमें सबके साथ मिल के धमकियाँ दिलवा रहे हैं, तभी तो आप लोग हमारे साथ कोर्टों में ये सब कर रहे हैं। कुछ अल्लाह का खौफ कर लें, आप लोगों के आगे आता है पर आप लोग सीखते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते। जो आप लोगों के आगे परेशानियाँ आती हैं ना, बीमारियाँ आती हैं आपकी औलादों के आगे, ये किसी न किसी की बदुआ का नतीजा होता है, किसी की ना किसी का सब्र होता है जो आप गलत कर रहे होते हैं। बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो करप्ट हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, एक और नए जज का नाम सामने आया, जस्टिस अलाउद्दीन पावर का। तो आप लोग ना, आप लोग पुलिस वालों से भी रेकी करवा रहे हैं हमारी, रात दिन खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी नहीं हो रही, रेकी हो रही है, सामने खड़े रहते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में आप लोगों ने सबने देखा होगा कहाँ खड़े रहते हैं। तो मैंने बस बताने का मकसद ये था, मैंने अपील लगा दी है, तो जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि अब नोटिस आ गया तेरे पास, तुझे घर खाली करना पड़ जाएगा, तेरा रेप कर देंगे, तेरा और तेरी बहन का, डंडे उठा के मारने आ जाते हैं, तो आप लोग जो दे चाहे कर सकते हैं ना, करके दिखाते हैं। गाइस फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सारे जजेस तक पहुँचे, हर पाकिस्तान के हर बंदे, दुनिया के हर बंदे तक पहुँचे, और पता लगे यहाँ की जुडिशरी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, जो करप्ट माफिया है और क्या क्या करवाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।